हेलो दोस्तों, मैं पवन मलिक, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल मलिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑफिस असिस्टेंट की जॉब के बारे में। अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं, क्या काम होता है एक ऑफिस असिस्टेंट का, अगर आप एक ऑफिस असिस्टेंट बनते हैं कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कितनी इसमें सैलरी होती है, सभी बातों पे डिटेल से बात करेंगे आज की वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और पूरा देखें तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन होते हैं ऑफिस असिस्टेंट और क्या काम होता है ऑफिस असिस्टेंट का। आपने देखा होगा, आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, किसी कंपनी में आप देखते हैं तो वहां पे काफी इंप्लॉय वर्क करते हैं, तो वहीं पे उनके साथ उनकी हेल्प करने के लिए एक ऑफिस असिस्टेंट होते हैं जो देखते हैं। अगर उनको ऑफिस असिस्टेंट, आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रखना, जो वहां के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको रखना, कोई सीट वगैरह तैयार करनी है, टाइपिंग वगैरह करनी है, ये सब काम देखना, वहां पे जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे फैकल्टी है किसी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया XYZ, उसमें जो फैकल्टी है उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई सीट उनको टाइप करानी है, तो वो सब काम जो होता है वो एक ऑफिस असिस्टेंट का होता है। अगर फैकल्टी, HOD या एम्प्लॉय किसी कंपनी में है, उनकी कोई मीटिंग वगैरह है, मीटिंग रूम को रेडी कराना है, तो ये काम भी एक ऑफिस असिस्टेंट का होता है। जैसे कि मीटिंग रूम में आप देखें, प्रोजेक्टर है, TV है या जो फाइलें हैं वो सब प्रॉपर होनी चाहिए, मीटिंग हॉल एक तरीके से रेडी कराना, ये सभी काम एक ऑफिस असिस्टेंट के ही होते हैं। या जैसे कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल हो गए, वहां पे बच्चों के जैसे डिग्री हो गई, ग्रेड कार्ड हो गए, मार्कशीट वगैरह हो गई, आई कार्ड वगैरह हो गए, इस तरीके के जो पेपर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड कराना, ये एक ऑफिस असिस्टेंट का ही काम होता है। तो ये सभी जो मास्टर प्लान वगैरह है, जो टाइम टेबल वगैरह है, ये सब रेडी करना, ये सभी काम भी एक ऑफिस असिस्टेंट के ही होते हैं। और जो HOD वगैरह होते हैं उनका जो भी काम होता है, उनके मेल वगैरह चेक करना, या जो फैकल्टी वगैरह की जो स्टूडेंटों की अटेंडेंस वगैरह है उनको देखना, ये सब काम जो होता है एक डिपार्टमेंट में, ये भी एक ऑफिस असिस्टेंट का ही होता है। तो इस तरीके का वर्क जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनते हैं तो। अब यहीं पे बात करते हैं, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो क्या यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया हो तभी आप एक ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं अच्छी जगह पे, वो चाहे आपने ग्रेजुएशन किसी भी आपने साइड से किया है, किसी भी उसमें किया है, आपने चाहे BA किया है, BSc किया है, चाहे आपने कॉमर्स से BCom किया है, MCom किया है, XYZ आपने BSc किया है, यहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए और आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप अगर वहाँ पे वर्क करते हैं, जो आपको काम दिया जाता है उसको आप अच्छे से समझ सकें, उसके बारे में बता सकें, तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल जो है वो भी आपका अच्छा होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर में जैसे कि टाइपिंग करना, एक्सेल पे काम करना, वर्ड पे काम करना, इंटरनेट वगैरह यूज करना, ईमेल पे आपको रिप्लाई करना, ये सभी काम आपको आने चाहिए, तभी आप एक अच्छे ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको ये सब आपका ठीक है, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि जॉब आपको कहाँ पे मिलेगी, देखिए इसकी जॉब जो है वो आपको काफी जगह पे देखने के लिए मिलेगी। आप कंपनी में देख सकते हैं, ऑफिस में देख सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं, कॉलेजेस में देख सकते हैं, स्कूल में देख सकते हैं, इसलिए काफी ऑप्शन है, आप सभी जगह पे इस तरीके की जो जॉब है वो आपको देखने के लिए मिलेगी ऑफिस असिस्टेंट की। बात करें इसमें सैलरी वगैरह की, आपकी सैलरी जो है वो किस तरीके की होगी, देखिए इसमें अगर आप फ्रेशर हैं, आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी यहाँ पे 15,000-20,000 से लेके 30,000 के आसपास तक आप देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के एनवायरमेंट में जा रहे हैं, किस सिटी में आप जॉब देख रहे हैं, किस तरीके की वो कंपनी या यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, कितनी बड़ी है, उस सब पे वो डिपेंड करता है। बाकी नॉर्मल जो है वो 15,000-20,000 से स्टार्ट हो जाती है और 30,000 तक सैलरी चली जाती है। और जैसे जैसे आपका इसमें एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप आगे चीजों को समझते हैं, उस तरीके से आपकी सैलरी जो है वो बढ़ती रहती है। तो काफी अच्छी जॉब है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप ये कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज जो है वो ले सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में एक अच्छी जॉब मिले। सबसे अच्छी बात है कि ये जॉब जो होती है वो एक अच्छी जगह पे इसकी सिटिंग होगी, आपको प्रॉपर अच्छी जगह पे AC वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा, अच्छी जगह की यानी कि एक अच्छी सिटिंग की जॉब होगी। तो इसके लिए आपको जरूर जाना चाहिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप नॉलेज जो है बेसिक नॉलेज वो कंप्यूटर के बारे में ले सकते हैं और ये जॉब आप अपने लिए देख सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप कोई इस तरह की जॉब देख रहे हैं, नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन करके और आप किसी कंपनी वगैरह में, नॉर्मल फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप ये बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज लें और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इस तरह की जॉब जो है वो देख सकते हैं।
इसमें आपको आगे जो है काफी अच्छा ग्रोथ जो है वो देखने के लिए मिलेगी। तो यही जानकारी आज की वीडियो में आपको देनी थी। अगर आपको ये जॉब जो हमने आज जिसके बारे में बताया अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन लोगों के पास शेयर करें जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, उनके पास आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर हम किसी भी कोर्स से किसी भी जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं अपने YouTube चैनल पे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।